नमस्कार, न्यूज 111 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। पटना में ब्लू पेटल्स होटल पाटलिपुत्रा में जनमित्र ग्लोबल फाउंडेशन का स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद डॉक्टर सीपी ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर दुकानदार संघ के अध्यक्ष सहित फुटपाथ दुकानदार के कई प्रतिनिधि शामिल हुए। आपको बता दें कि ये संस्था झुग्गी झोपड़ी और फुटपाथ दुकानदारों के सहयोगी रहे हैं। इस मौके पर भाजपा के सांसद डॉक्टर सीपी ठाकुर ने सरकार में होते हुए सरकार पर सवाल खड़े कर दिए और उन फुटपाथ दुकानदारों के समर्थन में कहा कि हम उन गरीबों के साथ हैं, हम इनका सहयोग करते रहेंगे और आगे भी हर संभव कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के दरमियान तमाम जो सड़कों पर दुकानें लगाई जाती हैं उनको हटाया जा रहा है और तमाम जो झुग्गी झोपड़ियां लगाई गई हैं उनको भी हटाया गया है, जिसके एवज में दुकानदारों ने और लोगों ने काफी प्रदर्शन भी किया था बीते दिनों और नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की थी, जिसको लेकर के आज जो आयोजन हुआ है उसके बाद से सीपी ठाकुर ने लोगों को भरोसा जताया है कि वो हर संभव मदद करने के लिए आगे आएंगे। आगे क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग पहले से भी लगे हुए हैं, गोविंद जी हमारे साथ, ये इसके अध्यक्ष हैं और धनंजय जी, और हम लोगों ने उस दिन मैंने उनसे आग्रह किया जो थे सरकार के तरफ से, हम इतना आदमी को जीना है तो कुछ तो इन लोगों को करना पड़ेगा, दुकान कुछ लगाना पड़ेगा, दुकान अगर जंगल में जाके लगाएगा तो खरीदेगा कुछ तो है कि आपका जो फुटपाथ है वो बाधित नहीं हो, लेकिन इन लोगों का भी जिंदगी चले ऐसा सामंजस्य करके होना चाहिए। अभी सर जिस तरह से हटाया जा रहा है, ये बिना विस्थापित किए हुए सभी को उखाड़ा जा रहा है, दुकान हटाया जा रहा है या झुग्गी झोपड़ी हटाया जा रहा है, उसमें आप कहाँ तक इनका सहयोग इनका मदद करेंगे? ये हम लोग पहले से भी लगे हुए हैं, गोविंद जी हमारे साथ, ये इसके अध्यक्ष हैं और धनंजय जी, और हम लोगों ने उस दिन मैंने उनसे आग्रह किया जो थे सरकार के तरफ से, हम इतना आदमी को जीना है तो कुछ तो इन लोगों को करना पड़ेगा, दुकान कुछ लगाना पड़ेगा, दुकान अगर जंगल में जाके लगाएगा तो खरीदेगा कुछ तो है कि आपका जो फुटपाथ है वो बाधित नहीं हो, लेकिन इन लोगों का भी जिंदगी चले ऐसा सामंजस्य करके होना चाहिए। अभी सर जिस तरह से हटाया जा रहा है, ये बिना विस्थापित किए हुए सभी को उखाड़ा जा रहा है, दुकान हटाया जा रहा है या झुग्गी झोपड़ी हटाया जा रहा है, उसमें आप कहाँ तक इनका सहयोग इनका करेंगे? तो फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। न्यूज 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।